आज जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, देश की राजधानी में उपद्रवी तत्वों द्वारा इस तरह तोड़फोड़ करना, अराजकता का माहौल पैदा करना, ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम पहले ही कहते थे इस आंदोलन पर किसी का कोई काबू नहीं है। ये आंदोलन स्वार्थी लोगों के हाथों में है और आज ये सिद्ध हो गया। वो तमाम किसान संगठनों के नेता जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे वो कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और दिल्ली में इस तरह दिल्ली को आग में झोंक देना ये ठीक नहीं है। और ये किसान हिंदुस्तान का कभी ऐसी बात कर नहीं सकता। ये किसानों के नाम पर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए मोदी विरोधी लोग, मोदी सरकार विरोधी लोग इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। और आज पूरे देश ने देखा है कि वादा करके वादा खिलाफी इन किसान संगठनों के लोगों ने पुलिस प्रशासन से और सरकार से की है। ये यकीन करने के काबिल इन्होंने अपने आप को नहीं छोड़ा है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके नीचे से तमाम विरोधी दल के लोग, जिनको मोदी सरकार पसंद नहीं है, जो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार में जिनका विश्वास नहीं है, जिनको लोगों ने वोट की चोट मारी है, वो किसानों के नाम पर इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। आज किसान लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में लाठी तंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। आज इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, सरकार के और पुलिस प्रशासन के विश्वास को तोड़ा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती कि जिस लाल किले पर देश के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है, उस तिरंगे की जगह पार्टियों के झंडे फहराना, धार्मिक झंडे फहराना, ये मैं समझता हूं इससे ओछी बात, इससे देश विरोधी बात और इससे देश विरोधी मानसिकता का पता चलता है। ये देश विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये अराजकता के माहौल पैदा करकर इस देश के भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह संवेदनशीलता का अपना परिचय दिया है, लेकिन इसी तरह अगर ये अपने हठ धर्मिता पर रहे और इन्होंने हिंसा का वातावरण पैदा करने की और कोशिश की तो सरकार सख्ती से इन लोगों से, अराजक तत्वों से निपटेगी और किसी भी तरह पर देश में शांति के माहौल को खराब करना नहीं देगी।